वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और इस वीडियो में हम द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं, तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है स्टेइंग ऑन द कोर्स। देखिए, स्टेइंग ऑन द कोर्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपने किसी काम को करने का डिसाइड किया है या आपने किसी रास्ते को चुना है और उस रास्ते पे आप कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब उस काम को किए जा रहे हो, चाहे कितना भी डिफ़िकल्टी आए, चाहे कितना भी मुसीबत आए, आप उस रास्ते पे चले जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? स्टेइंग ऑन द कोर्स, मतलब आप स्टे कर रहे हो कोर्स में, रास्ते में, मतलब आप बने हुए हो। तो द सेंटर, जो सेंटर है, जो केंद्र है, एंड द स्टेट्स, और जो राज्य हैं, है ना, स्टेट्स हैं, नीड, तो इनको ज़रूरत है। किसको ज़रूरत है? सेंटर और स्टेट्स को ज़रूरत है, नीड है टू फाइट की, ये यू नो दोनों क्या करें, फाइट करें, मतलब सेंटर मतलब केंद्र और राज्य फाइट करें एयर पोल्यूशन को टुगेदर। टुगेदर का मतलब है कि साथ साथ। तो किसको फाइट करें? जो एयर पोल्यूशन है उसको एक साथ क्या करें, फाइट करें, इसकी ज़रूरत है। किसको? सेंटर और स्टेट्स को ज़रूरत है कि वो फाइट करें एयर पोल्यूशन को टुगेदर, मतलब साथ साथ। तो यहाँ से देखते हैं, विद द साउथ वेस्ट मानसून ड्रॉविंग टू अ क्लोज, नॉर्थ इंडिया पर्टिकुलरली द स्टेट्स इन द इंडो गंगेटिक प्लेन्स ब्रेस themselves फॉर द एनुअल स्पाइक इन विंटर पोल्यूशन। देखिए, विद का मतलब होता है कि किसी चीज़ के साथ, तो साथ किसके? साउथ वेस्ट जो मानसून है उसके ड्रॉविंग टू अ क्लोज, तो ड्रॉ टू अ क्लोज होने के साथ ही। देखिए, ड्रॉ टू अ क्लोज का मतलब होता है इस किसी चीज़ का धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, मतलब किसी कोई चीज़ धीरे धीरे कम हो रहा है या धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो क्या हो रहा है? वो ड्रॉ टू क्लोज हो रहा है ना। तो साउथ वेस्ट मानसून के ड्रॉ टू क्लोज होने के साथ ही, मतलब ये जो मॉनसून है ये ख़त्म हो रहा है, इसके साथ ही जो नॉर्थ इंडिया है, पर्टिकुलरली का मतलब है खास तौर पे या विशेष रूप में, तो नॉर्थ इंडिया मतलब कि खास तौर पे द स्टेट्स मतलब कि वो राज्य जो कि कहाँ पे है, इन द इंडो गंगेटिक प्लेन्स में है। देखिए, अगर आप जियोग्राफी यू नो पढ़ते होंगे गाइस, तो आपको पता होगा कि ये इंडो गंगेटिक प्लेन्स क्या है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स क्या कर रहे हैं? ब्रेस कर रहे हैं। ब्रेस का मतलब होता है कि अपने आप को प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए, तो ब्रेस कर रहे हैं देमसेल्स, मतलब कि अपने आप को, ये स्टेट्स कि जो कि कहाँ पे है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स में, जो ये स्टेट्स है ये ब्रेस कर रहे हैं देमसेल्स अपने आप को, किसके लिए? फॉर द एनुअल। एनुअल का मतलब होता है इस सालाना, जो यू नो वर्ष में एक बार आए, एनुअल, है ना। तो एनुअल जो स्पाइक होता है, स्पाइक का मतलब होता है किसी चीज में कोई तेजी से बढ़ोतरी आती है, उसको स्पाइक बोलते हैं। तो एनुअल जो स्पाइक है किस चीज में? इन विंटर पोल्यूशन। तो जो विंटर पोल्यूशन में जो स्पाइक है, एनुअल स्पाइक, उसके लिए ये स्टेट्स क्या कर रहे हैं? अपने आप को ब्रेस कर रहे हैं। फिर से समझते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसके साथ ही जो नॉर्थ इंडिया है, खास तौर पे वो स्टेट्स, वो राज्य जो कि कहाँ पे है, इन द इंडो गंगेटिक प्लेन्स में है, तो ऐसे स्टेट्स क्या कर रहे हैं? ब्रेस कर रहे हैं, मतलब कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं देमसेल्स अपने आप को, किसके लिए? फॉर द एनुअल। तो जो एनुअल स्पाइक होता है, जो यू नो बढ़ोतरी आती है किस चीज़ में? विंटर पोल्यूशन में, उसके लिए क्या कर रहे हैं ये स्टेट्स? ब्रेस कर रहे हैं, मतलब कि रेडी हो रहे हैं बेसिकली। Earlier this week, a top functionary in the Prime Minister's office convened a meeting with the representatives from Delhi, Haryana, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh along with the heads of several ministries in दिल्ली। देखिए, अर्लियर का मतलब होता है किसी चीज़ के पहले या किसी चीज़ के शुरुआत में। तो दिस वीक, तो इस हफ्ते के शुरुआत में, अ टॉप फंक्शनरी, तो एक जो टॉप फंक्शनरी है, फंक्शनरी का मतलब होता है कि इस एन ऑफिशियल, जो किसी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करता है। तो एक जो टॉप फंक्शनरी है, जो कि कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक जो टॉप फंक्शनरी है, इन्होंने क्या किया? कन्वीन किया। कन्वीन का मतलब होता है कि इस किसी मीटिंग को बुलाना। तो कन्वीन क्या किया? बुलाया क्या? अ मीटिंग। तो एक मीटिंग बुलाई विद कमिस साथ, तो मीटिंग किसके साथ? रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है इस प्रतिनिधि, जो किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या किसी दल को या किसी पार्टी को उसका प्रतिनिधित्व करे, उसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव कहां से? फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ मीटिंग को क्या किया? कन्वीन किया। किसने? एक टॉप फंक्शनरी ने।
अलॉन्ग विद का मतलब है किसी के साथ, तो किसके साथ, द हेड्स, तो जो हेड्स है, जो देखिए हेड का मतलब है मुखिया या प्रमुख, कहाँ के हेड, सेवरल, तो कई जो मिनिस्ट्रीज है दिल्ली में, है ना, वहाँ के मिनिस्ट्रीज से कई जो हेड्स है उनके साथ। फिर से समझते हैं, इस हफ्ते के शुरुआत में एक जो टॉप फंक्शनरी है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, ये जो टॉप फंक्शनरी है, जो ऑफिशियल है, उन्होंने क्या किया, कन्वीन किया, मतलब कि बुलाया एक मीटिंग को। मीटिंग किसके साथ था, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के। और इसके साथ ही कौन थे मीटिंग में, विद द हेड्स, तो जो हेड्स थे, जो मुखिया थे, जो प्रमुख थे सेवरल मिनिस्ट्रीज से दिल्ली के, वहाँ के जो हेड्स थे वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। The brief was to take stock of the steps in place to prevent air quality from deteriorating catastrophically in Delhi. देखिए the brief, तो ये जो brief था, मतलब ये जो meeting था, ये क्यों हुआ था, was to take stock, तो ये meeting था किस लिए, was to take stock, तो take stock करने के लिए। देखिए take stock का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जायज़ा लेना या किसी चीज़ का review करना, है ना, उसको देखना कि वो सही है या नहीं है, मतलब कि किसी चीज़ का आप जायज़ा ले रहे हो तो आप उसको assess कर रहे हो, आप उसका रिव्यू कर रहे हो, है ना। तो ये ब्रीफ था किस लिए था, टेक स्टॉक करने के लिए, मतलब कि जायजा लेने के लिए। अब देखिए जायजा किस चीज का, ऑफ द स्टेप्स, तो उन स्टेप्स का, उन कदमों का जो कि इन प्लेस है, जो कि रेडी है, जो कि यू नो, जो कि किए गए हैं, ऐसे स्टेप्स को जायजा लेने के लिए। अब कौन से स्टेप्स, टू प्रिवेंट, जिसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को होने से रोकना, मतलब कि कोई बुरी चीज़ है उसको होने से रोकने को प्रिवेंट करना कहते हैं। तो प्रिवेंट क्या, जो एयर क्वालिटी है उसको रोकने से, अब कहाँ से रोकने से, फ्रॉम डिटोरिएटिंग, तो डिटोरिएट होने से, डिटोरिएट का मतलब होता है इस किसी चीज़ का बद से बदतर हो जाना, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने को डिटोरिएट होना बोलते हैं। तो कैसे डिटोरिएट होना, कैटास्ट्रोफिकली, कैटास्ट्रोफिकली का मतलब होता है इस तरीके से कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे, है ना, बहुत ही सीवियरली, है ना। तो यू नो जो ब्रीफ था वो किस लिए था, टेक स्टॉक करने के लिए था, जायजा लेने के लिए था, उन कदमों को, उन स्टेप्स को जो कि इन प्लेस है, जो कि अभी रेडी है, है ना। अब कौन से स्टेप्स, जो कि प्रिवेंट करने का है, मतलब कि जो प्रिवेंट करने का है, जो रोकने का है एयर क्वालिटी को, क्या होने से, डिटोरिएट होने से, ख़राब होने से, बहुत ही बुरे तरीके से, कैटास्ट्रोफिकली, कहाँ पे, इन दिल्ली, दिल्ली में। While pollution from vehicular emissions, road and construction dust, solid waste management and diesel sets have over the years been counted as a key sources of emissions, the burning of paddy stubble in Punjab and Haryana is known to be responsible for as much as 40% of the pollutant load during October and November. देखिए while का कई meaning होता है guys, यहाँ पे while जहाँ के sense में use किया गया है, कि ये इसका use किया गया है दो चीज़ों को contradict करने के लिए। तो जहां जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, प्रदूषण कहां से, व्हीकुलर इमिशन से। व्हीकुलर का मतलब होता है कि जो गाड़ी से संबंधित हो, व्हीकल से संबंधित हो, और इमिशन का हिंदी में मतलब होता है उत्सर्जन, मतलब कि कहीं से कोई चीज इमिट होके बाहर हो रहा है, मतलब कहीं से कुछ बाहर निकल रहा है, उसको इमिशन बोलते हैं। अब व्हीकुलर इमिशन क्या होगा, जो गाड़ी से निकले, तो गाड़ी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो व्हीकुलर इमिशन क्या होगा, जो गाड़ी का जो धुआं होता है वो, है ना। तो जहाँ जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, प्रदूषण कहाँ से, व्हीकुलर इमिशन से, मतलब कि जो गाड़ियों का धुआं होता है वहाँ से प्रदूषण, और कहाँ से प्रदूषण, रोड और कंस्ट्रक्शन डस्ट से जो प्रदूषण है, और कहाँ से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जो प्रदूषण है, और जो डीजल सेट्स से जो यू नो निकलता हुआ जो पोल्यूशन हैव ओवर द ईयर्स, तो इसको यू नो पिछले कई सालों से क्या किया गया है, बीन काउंटेड, इसको काउंट किया गया है, मतलब कि इसको गिना गया है, इसको जोड़ा गया है एज कम के रूप में। तो किसके रूप में इसको काउंट किया गया है, की सोर्सेस, तो की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सोर्स का मतलब है स्रोत, तो इंपॉर्टेंट सोर्सेस के रूप में इनको काउंट किया गया है इमिशंस का, मतलब कि इमिशन की प्रदूषण का, क्योंकि ये जो यू नो ये सभी क्या करते हैं, ये पोल्यूट करते हैं, ये पोल्यूशन का कारण बनते हैं, इन सभी को क्या किया गया है, जहां काउंट किया गया है, वही जो बर्निंग है, बर्निंग का मतलब होता है किसी चीज को जलाने के काम को बर्निंग बोलते हैं। तो जो बर्निंग है किस चीज का, पैडी स्टबल का, पैडी का मतलब होता है धान, और स्टबल का, देखिए स्टबल का क्या मतलब होता है गाइस, जैसे कि खेत में क्रॉप्स क्या होते हैं, उगाए जाते हैं, जब क्रॉप्स को काटते हैं तो उसका जो छोटा छोटा जो रेसिड्यू बचता है ना, उसको बोलते हैं
स्टबल है ना। अब देखिए स्टबल का दो मीनिंग होता है, जैसे कि कई यू नो मैन के दाढ़ी में क्या होता है, दाढ़ियों को जब यू नो ट्रिम करते हैं तो छोटा छोटा जो दाढ़ी बचता है उसको स्टबल बोलते हैं, तो उसको भी स्टबल बोलते हैं जो किसी चीज़ का रेसिड्यू बच जाए, है ना। तो जहाँ इन सभी पोल्यूशन को काउंट किया गया है की सोर्सेस के रूप में इमिशन का, वही ये जो बर्निंग है, जलाने का काम है पैडी स्टबल का, कहाँ पे, पंजाब में और हरियाणा में इज नोन। तो इस बर्निंग को जाना जाता है टू बी की है रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर किस चीज के लिए, एज मच एज का मतलब होता है कि लगभग 40% ऑफ पोल्यूटेंट लोड का जिम्मेदार है, ऐसा इसको जाना जाता है। पोल्यूटेंट का मतलब होता है कि जो पोल्यूट करे, तो पोल्यूटेंट लोड के रूप में इसको जाना जाता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, तो किस दौरान, अक्टूबर और नवंबर के दौरान। फिर से समझते हैं, जहां जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है व्हीकुलर इमिशन से, रोड और कंस्ट्रक्शन के डस्ट से जो पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जो पोल्यूशन है, और डीजल के जो सेट्स है वहाँ से जो पोल्यूशन है, इन सभी चीज़ों को जहाँ पे यू नो पिछले कई सालों से काउंट किया गया है कि ये की सोर्सेस है, महत्वपूर्ण सोर्सेस है इमिशन का, प्रदूषण का, वही जो बर्निंग है, मतलब कि जो जलाने का काम है पैडी स्टबल को पंजाब और हरियाणा में, इस बर्निंग को जाना जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जिम्मेदार होता है फॉर एज मच एज, तो लगभग 40% ऑफ पोल्यूटेंट लोड का जिम्मेदार होता है। किस दौरान, ड्यूरिंग अक्टूबर और नवंबर के दौरान। पंजाब इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 19.52 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ दिस ईयर एज कंपेयर टू हरियाणा 8 मिलियन टन्स। देखिए जो पंजाब है इस एक्सपेक्टेड, तो पंजाब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब ये उम्मीद है पंजाब से कि पंजाब जनरेट करेगा, जनरेट का मतलब है कि पैदा करना, उत्पन्न करना या बनाना, तो पंजाब से ये एक्सपेक्टेड है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पंजाब क्या करेगा, जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, 19.52 मिलियन टन्स का पैडी का स्ट्रॉ क्या करेगा, जनरेट करेगा। स्ट्रॉ का मतलब होता है कि भूसा, तो पैडी का स्ट्रॉ जनरेट करेगा दिस ईयर में, कि इस साल में, एज कंपेयर टू का मतलब है किसी चीज़ की तुलना में, तो हरियाणा के 8 मिलियन टन्स का जो पैडी का जो जनरेशन है उसकी तुलना में जो पंजाब से एक्सपेक्टेशन क्या है कि पंजाब जनरेट करेगा 19.52 मिलियन टन्स ऑफ पैडी, है ना, पैडी का स्ट्रॉ, किस साल में, इस साल में, किसके तुलना में, हरियाणा के 8 मिलियन टन्स की तुलना में। एट द मीटिंग बोथ स्टेट्स हैव कमिटेड टू एलिमिनेट पैडी स्टबल बर्निंग दिस ईयर। देखिए एट द मीटिंग, तो इस मीटिंग पर बोथ स्टेट्स, बोथ का मतलब है दोनों, तो दोनों राज्यों ने, कि पंजाब और हरियाणा ने, हैव कमिटेड, तो कमिट किया है, कमिट का मतलब होता है इस, अगर आप किसी चीज़ को कमिट कर रहे हो, है ना, तो आप वचनबद्ध हो रहे हो, है ना, उसके प्रति। तो इस मीटिंग पर दोनों स्टेट्स ने कमिट किया है, क्या कमिट किया है, टू एलिमिनेट करने का, एलिमिनेट का मतलब होता है इस किसी चीज़ को रास्ते से हटाना या किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो एलिमिनेट करने का कमिट किया है किस चीज़ को, पैडी स्टबल बर्निंग को दिस ईयर में, कि इस साल में ये जो पैडी स्टबल बर्निंग है इसको एलिमिनेट करने का कमिट किया है दोनों राज्यों ने इस मीटिंग पर। टू बी श्योर, लास्ट नवंबर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एक्सप्रेसली ऑर्डर दैट सच बर्निंग कम्प्लीटली सीजेस। This year it has demanded to know from the center two steps, center the steps that have been taken to address the problem. देखिए to be sure, तो इस चीज़ को sure करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए last November में, कि पिछले November में the Supreme Court, तो जो Supreme Court है of India, तो India का जो Supreme Court है उसने क्या किया था, had expressly, expressly का मतलब होता है इस एकदम स्पष्ट रूप से, तो स्पष्ट रूप से order किया था, मतलब कि you know आदेश दिया था दैट की सच बर्निंग, तो ऐसे जो बर्निंग होते हैं, मतलब ऐसा जो जलाने का काम होता है उसको कम्प्लीटली, मतलब कि पूर्ण रूप से क्या किया जाए, सीज किया जाए। सीज का मतलब होता है रोक देना, मतलब कि इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए पिछले नवंबर में जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का उसने एक्सप्रेसली, मतलब कि एकदम स्पष्ट रूप से क्लियरली क्या किया था, ऑर्डर किया था कि ऐसी जो बर्निंग है उसको कम्प्लीटली सीज किया जाए, कम्प्लीटली रोका जाए। अब दिस ईयर, अब देखिए इस साल इट हैज़ डिमांडेड, तो इट किसके लिए लगा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो इस साल सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया है, क्या डिमांड किया है, टू नो, देखिए डिमांड का मतलब है मांग करना, तो सुप्रीम कोर्ट ने मांग किया है टू नो, तो जानने के लिए, फ्रॉम द सेंटर, तो कहां से जानना, फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से, अब क्या जानना, द स्टेप्स, तो उन कदमों को, उन स्टेप्स को दैट हैव बीन टेकन, जिन कदमों को, जिन स्टेप्स को लिया गया है, क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, एड्रेस का मतलब होता है गाइस यू नो कोई प्रॉब्लम है उसको
उस प्रॉब्लम को आप हल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसको एड्रेस कर रहे हो। तो एड्रेस क्या, द प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को, मतलब कि इस साल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मांगा है, मतलब कि डिमांड किया है जानने के लिए, मतलब कि वो जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट कहाँ से जानना चाहता है, सेंटर से। अब क्या जानना चाहता है कि वो जो कदम है जिसको लिया गया है एड्रेस करने के लिए इस प्रॉब्लम को, उन स्टेप्स को जानना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का डिमांड किया है। वेदर द स्टेट्स कैन कंप्लाई रिमेन्स टू बी सीन। तो वेदर की क्या, द स्टेट, तो ये जो राज्य है, कैन कंप्लाई, तो ये क्या कंप्लाई कर सकते हैं, कंप्लाई का मतलब होता है कि किसी चीज़ का पालन करना, तो क्या ये कंप्लाई कर सकते हैं, रिमेन्स, तो ये बना हुआ है, रिमेन का मतलब होता है बना हुआ होना, टू बी सीन, तो देखने के लिए, मतलब कि राज्य क्या कंप्लाई कर सकते हैं ये देखना बाकी है। द हार्वेस्ट सीजन ऑफ 2023 सॉ अ 59% फॉल इन द नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स इन पंजाब एज कम्पेयर टू 2022। इन हरियाणा इट डिप्ड बाय 40% बट उत्तर प्रदेश सॉ अ 30% राइज। देखिए जो हार्वेस्ट सीजन है, हार्वेस्ट सीजन का मतलब होता है कि ऐसा सीजन जहाँ में, जहाँ पर फसलों की कटाई करी जाती है। तो हार्वेस्ट सीजन कब का, 2023 का जो सीजन है, इस सीजन ने क्या किया था, सॉ किया था, मैं कि देखा था किस चीज़ को, एक 59% के फॉल को, फॉल का मतलब है किसी चीज में गिरावट, तो किस चीज में, इन द नंबर, तो उस नंबर पे, उस संख्या में, अब संख्या किस चीज का, स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स का, मतलब स्टबल बर्निंग का जो घटनाएं हैं उनका जो संख्या है उसमें फॉल क्या किया था, सौ किया था, कहां पे, पंजाब में, एज कंपेयर टू का मतलब किसी चीज की तुलना में, तो 2022 की तुलना में, तो ये जो हार्वेस्ट सीजन है 2023 का, इसने देखा था 59% के गिरावट को, किस चीज में, जो स्टबल बर्निंग इंसिडेंट है उस चीज की घटनाओं में, कहां पे, पंजाब में, किसकी तुलना में, 2022 की तुलना में। अब इन हरियाणा, तो हरियाणा में इट डिप, तो ये डिप हुआ था, डिप का मतलब कम होना, तो ये डिप हुआ था किससे, बाय 40%, तो 40% से डिप हुआ था, बट लेकिन उत्तर प्रदेश 100, तो उत्तर प्रदेश ने देखा था 30% राइस, तो एक 30% के राइस को देखा था, राइस का मतलब था बढ़ोतरी, तो उत्तर प्रदेश में 30% के राइस को देखा था, बढ़ोतरी को देखा था। Despite the solutions to address the problem being known, create economic incentives as well as punitive measures to prevent straw from being burned, implementation remains a challenge. देखिए despite का मतलब होता है किसी चीज़ के बावजूद, तो बावजूद किसके, the solution, तो solution के, देखिए solution क्या करने का, address करने का, address का मतलब क्या होता है, किसी problem को solve करने का जो काम होता है उसको address बोलते हैं। तो despite किसके, solution के, सोल्यूशन किस चीज़ का, एड्रेस करने का, किस चीज़ को, द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को एड्रेस करने का जो सोल्यूशन है, बीइंग नोन, तो उसका, उसके पता होने के बावजूद भी, मतलब कि देखिए सोल्यूशन आपको पता है ना, उसके बावजूद भी, अब सोल्यूशन क्या है, क्रिएट करना, क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना या बनाना, क्या, इकोनॉमिक, तो आर्थिक इंसेंटिव्स को, इंसेंटिव का मतलब होता है गाइस कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिलता है और आपको क्या करता है, प्रेरित करता है और आगे काम करने का, उसको बोलते हैं इंसेंटिव। तो क्रिएट करना क्या, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को, एज वेल एज, और साथ ही प्यूनिटिव, क्रिएट करना प्यूनिटिव मेजर्स को, प्यूनिटिव का मतलब होता है गाइस दंडात्मक, जो आपको सजा दे उसको प्यूनिटिव बोलते हैं। तो प्यूनिटिव क्या, मेजर्स में की उपाय, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए स्ट्रॉ को फ्रॉम बीइंग बर्न। अब देखिए जो बीइंग बर्न है गाइस, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो यू नो रोकना क्या, किस चीज को, स्ट्रॉ को जलाए जाने से, ये क्या है, सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन के पता होने के बावजूद भी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि लागू करने का काम, तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रिमेन्स, वो बना हुआ है एक चैलेंज, तो एक चुनौती बना हुआ है इस चीज के बावजूद भी, बावजूद किसके, जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, वो उसके पता होने के बावजूद भी, सोल्यूशन क्या है, इकोनॉमिक इंसेंटिव को क्रिएट करना और साथ ही जो यू नो प्यूनिटिव मेजर्स है उसको क्रिएट करना ताकि रोका जा सके स्ट्रॉ को जलाए जाने से। तो इन सब के बावजूद भी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो लागूकरण है, वो बना हुआ है एक चैलेंज, मतलब एक चुनौती। पंजाब सेज दैट इट होप्स टू मैनेज 11.5 मिलियन टन्स ऑफ इट्स पैडी स्ट्रॉ थ्रू इन सेतु ऑन द फील्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट एंड द रेस्ट वाया एक्स सेतु मेथड्स। देखिए पंजाब सेज, तो पंजाब कह रहा है दैट कि इट होप्स, कि पंजाब होप कर रहा है, कि आशा कर रहा है टू मैनेज, तो मैनेज करने का, किस चीज़ को, 11.5 मिलियन जो टन्स है, टन्स क्या, किस चीज़ का, ऑफ इट्स पैडी, तो पंजाब के पैडी स्ट्रॉ का, पैडी का मतलब होता है धान और स्ट्रॉ का मतलब होता है भूसा, तो इसको मैनेज करने का होप कर रहा है थ्रू का मतलब होता है जरिए, तो किसके जरिए, इन सेतु
ऑन द फील्ड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट है इन सेतु मैनेजमेंट, इसके जरिए देखिए इन सेतु का मतलब होता है ऑन द फील्ड, मतलब जो फील्ड पे ही किया जाए, मतलब कि जहाँ पे हुआ है वहीं पे, है ना। तो इन सेतु जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है उसके थ्रू ये जो 11.5 मिलियन टन का जो यू नो पैडी स्ट्रॉ है उसको मैनेज करने का होप कर रहा है। एंड द रेस्ट, और जो बाकी है, रेस्ट का मतलब है बाकी, वाया का मतलब होता है किसी की चीज़ के जरिए। तो बाकी किसके जरिए, एक्स सेतु, मतलब देखिए इन सेतु का मतलब हो रहा है ऑन द फील्ड, मतलब फील्ड पर, और एक्स सेतु का मतलब क्या होगा, जो जो फील्ड से बाहर हो, है ना, ऑन द फील्ड का नहीं, एक्स सेतु मतलब कि फील्ड से बाहर। तो बाकी जो बचेगा उसको एक्स सेतु मेथड से उसको मैनेज करने का होप कर रहा है कौन, पंजाब। सिमिलरली का मतलब होता है कि इसी तरीके से हरियाणा विल मैनेज 3.3 मिलियन टन्स इन सेतु एंड यूज एक्स सेतु मेथड्स फॉर द रिमाइंडर। सिमिलरली का मतलब है कि इसी तरीके से जो हरियाणा है विल मैनेज, तो हरियाणा मैनेज करेगा किसको, 3.3 मिलियन टन्स को क्या करेगा, मैनेज करेगा इन सेतु, तो इन सेतु मेथड से क्या करेगा, मैनेज करेगा, एंड यूज करेगा एक्स सेतु मेथड्स को फॉर द रिमाइंडर। तो देखिए रिमाइंडर का मतलब होता है जो बाकी बचा हुआ है उसके लिए, क्योंकि 3.3 मिलियन टन्स को इन सेतु तो ऑन द फील्ड मैनेज करेगा और यूज करेगा एक सेतु मेथड को बाकी जो बचा हुआ जो पैडी स्ट्रॉ है उसको मैनेज करने के लिए। इन एडिशन टू दिस 2 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ वुड बी को फायर्ड इन 11 थर्मल पावर प्लांट्स अक्रॉस द रीजन। देखिए इन एडिशन टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के अलावा, तो इसके अलावा जो 2 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ है वुड बी, तो ये जो पैडी स्ट्रॉ है वुड बी, इसको क्या किया जाएगा, को फायर किया जाएगा। अब देखिए को फायर क्या होता है, इसके बारे में आगे बताया गया है। तो इसको को फायर किया जाएगा कहाँ पे, इन 11 थर्मल पावर प्लांट, तो 11 जो थर्मल पावर प्लांट्स है जो कि कहाँ पे है, अक्रॉस मतलब पूरे एनसीआर रीजन में। तो जो एनसीआर रीजन है, जो क्षेत्र है एनसीआर का, वहाँ के जो 11 थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे 2 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्ट्रॉ को किया जाएगा, को फायर किया जाएगा। को फायरिंग रिफर्स टू टर्निंग द स्ट्रॉ इनटू पैलेट्स दैट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। अब देखिए ये जो को फायर है इसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये को फायरिंग है, रिफर्स, इसको रिफर किया जाता है, इसको बताया जाता है किस चीज़ के रूप में, टर्निंग, तो टर्न करने के रूप में, टर्न का मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदलना, परिवर्तित करना, तो इसको रिफर किया जाता है टर्न करने के रूप में, किस चीज़ को, द स्ट्रॉ, तो जो भूसा है उसको टर्न कर दिया जाता है इनटू पैलेट्स। तो पैलेट्स में, पैलेट का मतलब है छोटी छोटी गोली, तो छोटी छोटी गोलियों में इसको बदल दिया जाता है, दैट कैन बी यूज, जिसे यूज किया जा सकता है एस कमिस के तौर पर या के रूप में, तो एक सोर्स के रूप में, सोर्स किस चीज का, कार्बन, तो कार्बन के सोर्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो जो को फायरिंग है किसे बोलते हैं, को फायरिंग में क्या कर दिया जाता है, जो स्ट्रॉ है, जो भूसा है, उसको पैलेट में तब्दील कर दिया जाता है, मतलब उसको छोटी छोटी पैलेट्स में तब्दील किया जा कर दिया जाता है, दैट कैन बी यूज, ताकि इसको यूज किया जा सके कार्बन के सोर्स के रूप में। Experience over the years shows that several of these machines are not available to farmers when required. देखिए जो experience है, मतलब कि जो अनुभव है over the years, मतलब कि पिछले कई सालों का जो अनुभव है, shows वो दिखलाता है, मतलब कि जो experience है वो show करता है कि several of these machines, तो ऐसे बहुत सारे जो machines है, मतलब कि देखिए कौन से machines, जो you know जो straw है उसको pellet बनाने वाला, या जो agriculture में जो use किया जाता है वैसे machine, तो experience जो है, अनुभव है over द ईयर्स में, कि पिछले सालों का, मतलब कि पिछले कई सालों का जो एक्सपीरियंस है वो दिखलाता है कि सेवरल ऑफ दीज मशीन, तो सेवरल में कि कई या अनेक, दीज मशीन, तो ये जो मशीन होते हैं आर नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं होते किनको, फार्मर्स, तो जो किसान होते हैं उनको, उनके पास अवेलेबल नहीं होते व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो, हाँ जब जरूरत हो, जब यू नो फार्मर्स को जब जरूरत पड़ती है, तो ये सारे कई मशीन जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस दिखलाते हैं। एक्सपीरियंस कब का, ओवर द ईयर्स में, कि पिछले कई सालों का जो एक्सपीरियंस है वो शो करता है, दिखलाता है कि जो ये सभी मशीनें हैं ये अवेलेबल नहीं होती जब जरूरत हो तब इसकी, है ना, किनको, फार्मर्स को, मतलब किसानों को।
While using the straw in power plants has often been touted as a solution, there is no well-oiled system in place to transport straw from field to plant. देखिए while में कि जहाँ use करना using किस चीज़ को the straw तो जो straw है जो भूसा है उसको use करना कहाँ पे power plants में use करने का जो काम है has often तो इसको अक्सर करके been touted तो देखिए ये passive voice है guys है ना तो ये जो straw का use करने का जो काम है power plants में इसको अक्सर करके टाउट किया गया है टाउट का मतलब होता है गाइस किसी चीज का यू नो किसी चीज के बारे में प्रशंसा करके बोलना है ना उसको एडवर्टाइज करना तो इसको बोला गया है एज अ सॉल्यूशन तो एक सॉल्यूशन के रूप में बोला गया है किसको स्ट्रॉ को यूज करने के काम को पावर प्लांट्स में तो जहां इसको अक्सर करके बोला गया है कि ये सॉल्यूशन है वही देयर इज नो वेल ऑयल सिस्टम तो वही क्या नहीं है वेल ऑयल सिस्टम नहीं है वेल ऑयल का मतलब होता है गाइस जो बहुत ज्यादा स्मूथ हो है ना जैसे कि मशीन है मशीन में अगर वो मशीन वेल ऑयल है अगर उसमें अच्छा खासा ऑयल डला हुआ है तो मशीन क्या करेगा स्मूथली फंक्शन करेगा तो उसी के सेंस में वेल ऑयल का यूज किया गया है ना तो जहां ये जो स्ट्रॉ का यूज करने का काम है पावर प्लांट्स में इस यूज करने के काम को अक्सर करके टाउट किया गया है मैं कि इसको यू नो इसको बताया गया है प्रशंसा करके एक सोल्यूशन के रूप में वही देयर इज नो वेल तो वही क्या नहीं है एक स्मूथ सिस्टम नहीं है सिस्टम एक तंत्र नहीं है इन प्लेस में कि रेडी तो सिस्टम नहीं है प्लेस में कि रेडी नहीं है क्या करने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉ को मतलब जो भूसा है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहां से ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फील्ड तो खेत से कहां के लिए टू प्लांट तो जो फील्ड है वहां से लेकर प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है स्ट्रॉ का उसके लिए वेल ऑयल सिस्टम नहीं क्योंकि जो सिस्टम है वो स्मूथ नहीं है द काउजेस ऑफ पोल्यूशन क्राइसिस आर मल्टी लेयर्ड एंड विल यील्ड रिजल्ट्स ओनली gradually the states and the center must set aside their political differences and stay the course collectively देखिए द causes cause का मतलब होता है गाइस किसी चीज का कारण तो जो कारण है cause है किस चीज का pollution क्राइसिस का मतलब कि प्रदूषण के संकट का जो कारण है आर वो कारण काउजेस क्या है आर मल्टी लेयर्ड वो मल्टी लेयर्ड है मतलब कि बहुत सारे लेयर में है मतलब कि बहुत सारे हैं तो जो पोल्यूशन का जो काउजेस है वो मल्टी लेयर्ड है मतलब कि बहुत सारे हैं एंड विल यील्ड रिजल्ट और ये जो है ये यील्ड करेगा यील्ड का मतलब होता है इस प्रोवाइड करना तो ये रिजल्ट देगा ओनली ग्रेजुअली तो यू नो धीरे धीरे क्या करेगा ग्रेजुअली ये रिजल्ट देगा है ना मतलब कि जो काउजेस है पोल्यूशन के पोल्यूशन क्राइसिस के वो मल्टी लेयर्ड है तो ये यील्ड करेगा कि ये रिजल्ट देगा धीरे धीरे ही मतलब कि ग्रेजुअली ही द स्टेट तो जो राज्य है एंड द सेंटर और जो केंद्र है मस्ट तो इन यू नो इन दोनों को क्या करना चाहिए स्टेट्स और केंद्र को मस्ट सेट असाइड तो सेट असाइड करना चाहिए सेट असाइड का मतलब है किसी चीज को साइड में कर देना तो सेट असाइड क्या दे आर मतलब इनका जो पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक जो डिफरेंसेस है डिफरेंस का मतलब होता है मतभेद तो इनका जो राजनीतिक जो मतभेद है उन सबको सेट असाइड करना चाहिए और स्टे करना चाहिए कि रहना चाहिए द कोर्स तो कोर्स में कि जो काम कर रहे हैं उसी चीज़ में लगे रहना चाहिए कलेक्टिवली का मतलब है सामूहिक रूप से मतलब कि मिलजुल कर मतलब कि जो स्टेट है और जो सेंटर है उसको उनका जो पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है मतभेद है उसको साइड में करना चाहिए और कोर्स पे स्टे करना चाहिए कलेक्टिवली मतलब कि सामूहिक रूप से मतलब कि मिलजुल कर